गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? ठीक है। अच्छा, तो कल हमने क्या पढ़ी थी आपकी? फोर्थ क्लास। ये फोर्थ क्लास की आपकी बुक है ईवीएस की। इसमें मैंने कल आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? फैमिली रिलेशंस। क्या पढ़ा था? फैमिली रिलेशंस, पारिवारिक संबंध। इसमें हमने न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था, फिर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको रिया नाम की लड़की के बारे में बताया था। उसके उसके एक भाई पैदा हुआ था, उसकी जॉइंट फैमिली थी। कहाँ? दिल्ली में। और उसकी मम्मी पहले किससे रहती थी? अपनी जॉइंट फैमिली में रहती शादी से पहले। इसका क्या नाम था? फोर्थी। क्या नाम था? फोर्थी। अब आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, ए टिक द करेक्ट। क्या है? टिक द करेक्ट। Together, make
and five husband. अभी मैं देखता देखिए ए वाइफ बी ए मदर सी ए आंट डी ए ग्रैंड मदर ई ए सिस्टर को हमें मैच करना है अंकल के साथ क्या आएगा आठ तो सी यहाँ हम चाहें तो यहाँ सी लिख दीजिए या यहाँ वन लिख दीजिए फिर है ग्रांड फादर तो अगर ग्रांड मदर तो यहाँ डी लिख दीजिए या फिर यहाँ टू लिख दीजिए फिर है फादर मदर तो यहाँ बी लिख दीजिए या यहाँ थ्री लिख दीजिए फिर है ब्रदर तो होगा सिस्टर यहाँ ई लिख दीजिए या यहाँ हस्बैंड क्या होगा यहाँ ए लीजिए वाइफ या यहाँ पर वाइफ ये आपका कंप्लीट हुआ या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे क्रॉस से कर सकते हैं ऐसे सी ए ग्रैंडफादर मदर फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ कैसे भी आप चाहे इसको मैच कर सकते देखिए डी अब इसका आपका डी और ई बचा है ये मैं आपको कल करवा दूंगी आप जो मैंने ये करवाया है हाँ तो करवाया है तब इसको कॉपी डाउन कीजिएगा फेयर पेपर करना है क्योंकि जब आप आएंगे तब आपकी कॉपी को चेक होगी इसलिए सुंदर सुंदर आइटम करना है आप नोट कर लीजिए जो आपके क्वेश्चन ए बी और सी है चैप्टर फर्स्ट के वो आपको कंप्लीट करने हैं या आपका ये जरूर है और बाकी जो रह गए वो मैं आपको कल कराऊंगी इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ओके बाय सी